फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर की रसोई। आज मैं आपको सेम नमकीन बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। गाइस, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा। देखिए, हम इसकी आप तैयारी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए अब हमें एक कटोरी बेसन चाहिए। हम इसे इसमें कर लेते हैं बाउल में एक। फ्रेंड्स, हम इसमें हाफ स्पून नमक डालेंगे, 1/4 काली मिर्च, 1/4 हींग, 1/4 अजवाइन, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, पहले अब हम इन सब आइटम को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए, पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए, इस तरीके से। देखिए की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। ये देखिए, इस तरीके से फ्लोइंग। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने बॉटल पूरी फिल कर ली है। अब मैं आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें से हीट भी आ रही है। अब मैं आपको ये नमकीन बनाना बताती हूँ किस तरीके से बनानी है। ये देखिए, इसकी पहले हम क्लिप जो है इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर हम इसको ऐसे बनाना चालू करेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ऊपर आ गई है। इसका मतलब हमारी जो नमकीन है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। ये देखिए, जहां जहां जगह है हम उसको फिल कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, इनको बहुत हम हल्के हाथ से इस तरीके से घुमा लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे सेब थोड़े से गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इनको एक साइड से हल्के से हाथ से पलट देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, हमारे एक साइड से काफी अच्छा कलर आ चुका है सेब पे। ये देखिए, अब इनको हम इस तरफ से और सेकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक प्लेट पे टिश्यू पेपर ले लिया है। अब हम इनको अपने प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको पलट दिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक प्लेट पर टिश्यू ले लिया है और अब ये देखिए, ये हमारी नमकीन इस पर मैंने निकाल ली है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अभी मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी ये कितनी करारी है। कि हमारी नमकीन बनकर तैयार है। ये देखिए, ये कितनी क्रिस्पी है एकदम से। ये देखिए कितनी प्यारी आवाज आ रही है इसकी। ये देखिए, ये हम बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। ये देखिए, कितने से बेसन में कितनी अच्छी नमकीन बनकर तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।